नमस्कार। व्यक्ति यदि निम्न स्थिति और परिस्थिति में है, दुर्भाग्य से उसका जन्म अगर ऐसी व्यवस्था में हुआ है कि जिसमें वो किसी भी कारण से हेय दृष्टि से देखा जाता है, तब भी वो अपने परिश्रम से, अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान से, अपने अध्ययन से उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। हमारे पौराणिक ग्रंथ, हमारे शास्त्र इस तरह की वास्तविक घटनाओं से भरे पड़े हैं। इसी संबंध में एक उदाहरण है कि महर्षि साल्विन के दो पत्नियां थी, एक सवर्ण थी जिसका नाम श्लेषा था और दूसरी शूद्र वंश से थी जिसका नाम इत्रा था। दोनों को कुछ काल के बाद दो तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। जो ब्राह्मण कन्या श्लेषा का पुत्र था, वो समय आने पर उसको दीक्षा दी गई और पाठशाला यज्ञशाला में प्रवेश की अनुमति दी गई, लेकिन इत्रा का पुत्र जो उस समय की व्यवस्था थी, शूद्र था, उसको उस पाठशाला में उस प्रकार की दीक्षा की अनुमति नहीं प्राप्त हुई। इसकी शिकायत इत्रा ने अपने पति साल्विन से की। उन्होंने इत्रा के कान में कोई बात कही और जो बात उन्होंने कही उसको लेकर के इत्रा ने अपने पुत्र ऐत्रेय को बुलाया। इत्रा के पुत्र का नाम ऐत्रेय था, उसको बुलाया और उसको बताया कि बेटा, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। बौद्ध धर्म कहते हैं ना, अपदीपो भव, उसके आत्मा से ही आप अनुमति लेकर के आप आगे की साधना करिए। ऐत्रेय वन को प्रस्थान कर गया और जैसे एकलव्य ने, मैंने बताया था कि एक बार वो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को ही गुरु मान करके पूर्ण समर्पण से शिक्षा प्राप्त करके धनुर्विद्या में पारंगत हुआ, ठीक है इसी प्रकार से ऐत्रेय अपनी आत्मा और ब्रह्म को ही अपना गुरु मान करके उसकी निरंतर साधना की, उनकी प्रेरणा से विद्या का अध्ययन किया, अनुभव से सारी चीज़ें सीखी और एक दिन पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके परिपक्व होकर के वो अपने पिता के पास आया और पिता को उसने अपने ज्ञान के बारे में विस्तार से वर्णन किया, वेदों की व्याख्याएं स्पष्ट की, जिससे जो महर्षि साल्विन थे वो अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके नाम पर एक ऐत्रेय ब्राह्मण नाम का ग्रंथ चल पड़ा, एक ऐत्रेय शाखा चल पड़ी जो वेदाध्ययन के लिए अनिवार्य मानी जाती है। यदि हमें वेद का ज्ञान प्राप्त करना है, वेद विद्या को अगर हमें पढ़ना है, तो बिना ऐत्रेय ब्राह्मण का अध्ययन किए वो ब्राह्मण हो गया, तो बिना ऐत्रेय ब्राह्मण का अध्ययन किए हम वेद का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये भ्रम है कि सब कुछ जन्म से ही होता है। वर्तमान व्यवस्था में, भारतवर्ष में, तो निश्चित रूप से अब जन्म से ही जाति निर्धारित है, इसका कोई अन्य उपाय रह नहीं गया। लेकिन जो प्राचीन काल में हमारा वर्ण व्यवस्था, हमारा सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक था, लोगों को आगे बढ़ने के लिए किस तरह से वो सबको वो मार्ग सुलभ थे। अगर वो विपरीत परिस्थिति में भी हैं और वो परिश्रम के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा, तो वो ऐत्रेय ब्राह्मण नाम से ही जाना जाने लगा। जो है ये संदर्भ उन लोगों को शायद रुचिकर नहीं लगेंगे जो अपने को लगातार शूद्र और निम्न घोषित करके अपने से तथाकथित रूप से उच्च वर्ग। हालांकि लोकतंत्र में, हमारी व्यवस्था में, हमारे संविधान में ऐसा ऊंच नीच कोई नहीं है, लेकिन वो खुद अपने ऊपर निम्नता का आवरण ओढ़ करके और कुछ लोगों को उच्चता का आवरण दे करके, भले वो हर तरह से आज की व्यवस्थाओं में वंचित हों, सुविधाओं से वंचित हों, उनको पात्र न समझा जाता हो और लगातार विद्वेष सोशल मीडिया में फैलाते रहते हैं, ऐसे लोग अगर इन संदर्भों को पढ़ेंगे, इन ग्रंथों को देखेंगे, तो उनका यह भ्रम दूर होगा जो प्रतंत्रता के समय में अंग्रेजों ने समाज में भेद पैदा करने के लिए ऐसी चीज़ें ला करके रखी हैं। वो जरूर ऐत्रेय ब्राह्मण से कुछ सीख प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।